Brought to you by Physics Wala. यूपी की सियासत की गलियों की धुरी बन चुके सपा नेता आजम खान की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां आजम खान पिछले 27 महीनों से जेल में बंद हैं और 87 में से 86 मामलों में उन्हें जमानत भी मिल चुकी है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद आखिरी केस में भी जमानत का रास्ता साफ होने ही वाला था कि अब आजम खान के सामने एक और मुसीबत आन खड़ी हुई है। बता दें कि आजम खान के समर्थकों को उम्मीद थी कि जिस मामले में पिछले 5 माह से हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के तेवर के बाद हाईकोर्ट जल्द इस फैसले को सुना सकता है, लेकिन अब ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा, क्योंकि रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सन 2020 से चल रहे मुकदमे में, जिसमें आरोप था कि आजम खान के ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे रामपुर पब्लिक स्कूल की 3 अलग-अलग शाखाओं के लिए कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर गलत तरीके से मान्यता प्राप्त कर ली गई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल करते हुए आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा को धारा 420 के अंतर्गत आरोपी बना दिया था, लेकिन इस मामले के शिकायतकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस मामले में आजम खान को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में अतिरिक्त विवेचना के लिए अदालत से अनुमति मांगी और अदालत की अनुमति के आधार पर इस मामले में विवेचना की गई, तो कई मामले नियम विरुद्ध पाए गए, जिसमें नेशनल बिल्डिंग कोड के अंतर्गत जिस अधिकारी ने एनओसी लगाई थी उसने अपना पत्र होने से इनकार कर दिया। इस दस्तावेज को कूट रचित मानते हुए पुलिस ने पुनः की गई विवेचना में आजम खान के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किए हैं। ये सभी धाराएं भारतीय दंड संहिता की बेहद गंभीर धाराएं हैं। धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक षड्यंत्र करने जैसे गंभीर मामलों में लगाई जाती हैं और इनमें उम्र कैद तक का प्रावधान है। वहीं इस मुद्दे पर जब हमने आकाश सक्सेना से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये 2020 में जब हमारे द्वारा इनके जो कई शिकायतें थी, तो उसमें एक शिकायत ये भी थी कि आजम खान ने जो रामपुर पब्लिक स्कूल की जो मान्यताएं ली थी उसमें कई कुछ सरकारी कागज कुछ ऐसे थे कि जैसे एक स्कूल के नाम जारी करवा कर और 3-3 स्कूलों की उसे मान्यता ली गई थी, चाहे वो फायर की एनओसी रही हो या नेशनल बिल्डिंग कोड के अक्सर कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं वो रहा हो। तो इस तरीके की चीज़ों की जाँच हुई, तो उस जाँच में मार्च 2020 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया जाता है अज्ञात के खिलाफ, और विवेचक द्वारा उसमें जाँच करने के बाद उसमें तंजीम फातिमा के विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाती है। लेकिन हम लगातार तब से ये बात कहते आ रहे थे कि ये चार्जशीट गलत लगी है, क्योंकि इसमें और अभी जांच की आवश्यकता है, लेकिन तब उस चीज़ों को नहीं ध्यान दिया गया और प्लान वे में अगर कहें या जानबूझ के कहें उसमें चार्जशीट लगा दी गई और उस केस को बंद करने की कोशिश की गई थी। अब दोबारा से उसकी जाँच शुरू हुई और उस जांच में ये पाया गया कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड का जो सर्टिफिकेट होता है, नियम के आधार पर स्कूल में वो सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी या आरईएस के द्वारा जारी किया जाता है। ए लेवल्स के बड़े अधिकारी से ऊपर उस सर्टिफिकेट को बनवाया जाता है। आजम ने वो सर्टिफिकेट फर्जी सीएनडीएस के आरके सुमन के हस्ताक्षर द्वारा बनाया गया। इसमें बहुत गहराई से इसमें जांच की गई और वो जांच में चीज़ों को सही पाया गया। उसके बाद उसमें आजम को 420, 467, 468, 471 और 120B में मुलजिम बनाकर और इसके वारंट आज जारी किए गए हैं। और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि इस तरीके की जो चीज़ें आजम ने, चूंकि हमेशा अगर आप देखेंगे कि इनके विरुद्ध जितने मुकदमे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुकदमे इन्हीं तरीके के हैं कि सरकारी कागजों में उसको प्लान कर उस कागजों को तैयार कर हमेशा अपना फायदा उठाने के लिए इन चीज़ों को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि सारे मामले को देखते हुए और इन्हीं सब चीज़ों में न्यायपालिका उचित फैसला लेगी। फिलहाल की स्थिति के हिसाब से देखें तो इतनी जल्दी आजम खान को राहत मिलना अब मुश्किल दिख रही है। ऐसे में आजम खान आने वाले चुनाव के लिए क्या रणनीति तैयार करते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।